भारत में 11 से 16 साल की उम्र के 71% लड़के और 76% लड़कियां WHO के सुझाव के अनुसार फिजिकली इनएक्टिव पाए गए हैं। फिजिकली इनएक्टिव यानी वे प्रतिदिन अपनी सेहत के लिए एक घंटा भी नहीं देते हैं। हाल ही में जारी हुई WHO की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अपनी रिपोर्ट द लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ जर्नल में बताया है कि दुनिया भर में 11 से 17 साल की उम्र के 80% से ज्यादा किशोर फिजिकली इनएक्टिव हैं। 85% फिजिकली इनएक्टिव किशोरों में 11 से 17 साल की उम्र के 73.9% किशोर भारत के हैं। WHO ने ये रिपोर्ट 146 देशों के 11 से 17 साल के 16 लाख किशोरों पर तैयार की है। फिजिकली इनएक्टिव से WHO का मतलब है कि दुनिया भर में 85% किशोर WHO के सुझाव के हिसाब से प्रतिदिन एक घंटा भी अपनी सेहत के लिए नहीं देते हैं। इनमें लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा है। दुनिया भर में 85% लड़कियां और 78% लड़के फिजिकली इनएक्टिव हैं। इस रिपोर्ट में 2016 के बाद से भारत में 11 से 17 साल की उम्र के किशोरों में अपनी सेहत को लेकर थोड़ी सजगता देखी गई है, लेकिन भारतीय किशोरियों में कोई सुधार नहीं देखा गया है। भारत में साल 2001 में 76.3% किशोरियां फिजिकली इनएक्टिव थीं, वहीं 2016 में 76.6% किशोरियां फिजिकली इनएक्टिव देखी गई। जबकि किशोरों में थोड़ा सुधार हुआ है, 2001 में 76.6% किशोर फिजिकली इनएक्टिव थे और साल 2016 में 71.8% किशोर फिजिकली इनएक्टिव मिले। इस रिपोर्ट की लेखक डॉक्टर लियान रिले का कहना है कि भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में कम उम्र से ही लड़कियों की सेहत पर ध्यान देने को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। इन देशों में लड़कों के मुकाबले लड़कियां ना के बराबर आउटडोर गेम्स खेलती हैं और अपना ज्यादा वक्त घरेलू कामकाज में बिताती हैं, जिसकी वजह से उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर असर पड़ता है। इस रिपोर्ट में किशोरों के फिजिकली इनएक्टिव होने के कारण मोबाइल फोन पर ज्यादा गेम्स खेलना और आउटडोर गेम्स कम खेलना, नियमित पैदल न चलना, कम उम्र के बच्चों का साइकिल का इस्तेमाल न करना, नियमित एक्सरसाइज न करना और फिजिकल एजुकेशन को स्कूलों में उतनी तरजीह न दिया जाना बताया गया है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में किशोरों को फिजिकली फिट रहने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिनमें कहा गया है कि स्कूलों और शहरों में लोगों को जागरूक करने के लिए नियमित प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, जिनके जरिए बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी सेहत पर ध्यान देने के लिए सजग किया जा सके। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।